हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, अगर आप ट्रेन का प्लेटफॉर्म टिकट करना चाहते हैं, आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से टिकट कर सकते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म के बाहर रहकर भी टिकट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल पर। और जनरल टिकट जो आपको टिकट काटने के लिए लंबा लाइन लगाना पड़ता था, उसे भी आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर जाके वहाँ से UTS नाम का एक एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो इंडियन रेलवे का है ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, ओपन भी कर चुका हूँ। इस तरह का पेज यहाँ पे आया है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको बुकिंग करना है टिकट, तो यहाँ पे आपको बुक टिकट के ऑप्शन पे जाना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बुक टिकट के ऑप्शन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन टिकट, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट पे क्लिक करके खरीद सकते हैं, या अगर आप जनरल टिकट खरीदना चाहते हैं, वहाँ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस और बुक एंड प्रिंट पेपर, दो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप पेपरलेस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, अगर पेपरलेस टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको स्टेशन से 2 किलोमीटर के रेंज में रहना ज़रूरी है टिकट काटते वक्त। अगर 2 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा दूर में है, तो दोस्तों आप पेपरलेस टिकट जो है काट नहीं सकते, आपको पेपर वाला टिकट काटना होगा। और प्लेटफॉर्म में जाके वहाँ पे जो आपको वेंडिंग मशीन होता है, उससे आपको टिकट निकालना होता है, या फिर आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं जहाँ पे सब टिकट लेते हैं रो में खड़े होकर। तो दोस्तों, ये था ऑप्शन, आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर टिकट बुक करना ही चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपको कहाँ से कहाँ जाना है। तो यहाँ पे मुझे कटक से भुवनेश्वर जाना है, तो यहाँ पे मैं कटक सर्च करके लिख देता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मैं भुवनेश्वर लिख दूँगा। तो ये दोनों के बारे में आपको जानकारी मिल चुका होगा, कहाँ से आप जाएँगे और कहाँ जाना है, ये दो ऑप्शन आपको लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, तो मैं और एक बार से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, और कितना आपको टिकट करना है, एडल्ट का, चाइल्ड का, तो इस तरह आप कितना टिकट करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कटक से भुवनेश्वर का टिकट का प्राइस भी कितना है, आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है दोस्तों, अगर आप कहीं से कहीं जाना चाहते हैं, टिकट का प्राइस जाना चाहते हैं, ये भी एक अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पे आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और रेलवे के इस ऐप का वॉलेट पेमेंट भी कर सकते हैं। कटक से भुवनेश्वर का जो टिकट है दोस्तों, एक एडल्ट का 10 रुपये, यानी बड़े इंसान का, एक आदमी का 10 रुपया है, इसके बारे में आपको पता चल गया है। अगर आपको टिकट अभी बुक करना ही है, तो यहाँ पर बुक टिकट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा दोस्तों। यहाँ बुक टिकट ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद, आप यहाँ पे जो लॉगिन और पासवर्ड करना है, अगर आप उसमें अकाउंट नहीं खोले तो रजिस्टर करके अकाउंट खोल सकते हैं, उसके बाद आप आसानी से पेमेंट कर लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।